ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों समेत स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया और योग किया। तो वहीं कार्यक्रम में राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, SDM अतुल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्कूली बच्चे शामिल हुए। सांसद संतोष पांडे ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव कल्याण के लिए भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों ने जितने भी दिशा दिए हैं वह सर्वमान्य कल्याण के लिए बनाए गए हैं और हमें योग को अपने जीवन में नियमित अपनाना चाहिए। अवसर पर माननीय सांसद जी के उपस्थिति में पूरा जिला प्रशासन और पूरा जिला राजनांदगांव के शहर के वासी आज योगा दिवस में पार्टिसिपेट किए हैं और एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण और प्रैक्टिस आज लोगों के द्वारा किया गया। और हमारा सबको यही संदेश है कि ये सिर्फ आज तक सीमित ना रखें, अपने जीवन में डेली योगा का प्रयास और पार्टिसिपेशन करें ताकि आपका स्वस्थ मन और स्वस्थ तन दोनों आप पा सकें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आज राजनांदगांव जिले में भी योगा का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय सांसद महोदय और जिले के सभी महत्वपूर्ण अतिथि लोग यहाँ पे हैं। साथ में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे न केवल योग का योग स्वयं किया है बल्कि अब आगे भी वो योग करेंगे। योग न केवल तन को बल्कि मन को भी स्ट्रांग करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो मेरा सभी लोगों से संदेश है कि न केवल स्वयं योग को अपनाएं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें ताकि अनावश्यक जो तनाव होता है वो तनाव को ये रिलीज करता है। आदेश जी बोले। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया और ये मानव कल्याण के लिए भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों ने जितने भी दिशा दिया है वो सर्व मानव के लिए, सबके लिए है, मानव कल्याण के लिए है। हम सबके जीवन में योग अंग बने, यही आप सबसे अपेक्षा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।